हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनसाइट स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है द रेट हंट 1902। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बबोनिक प्लेग वाज स्टार्टेड इन वियतनाम इन 1902। वियतनाम वाज कॉलोनी ऑफ फ्रांस, सो फ्रेंच पीपल रिक्रूटेड वियतनामीज टू हंट रेट्स सो दैट दिस प्लेग कुड स्टॉप। फ्रांस का मानना था ये बीमारी चूहों की वजह से हो रही है, तो इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया द रेट हंट। वियतनाम वॉज कॉलोनी ऑफ फ्रांस, जो वियतनाम ये कॉलोनी थी फ्रांस की, तो जो ये बीमारी थी इसको रोकने के लिए फ्रांस ने चूहों को मारना स्टार्ट किया। इन 1902 दे स्टार्टेड रेट हंट। उनका मानना था ये बीमारी चूहों की वजह से हो रही है, तो इन्होंने स्टार्ट किया वियतनाम के लोगों को रिक्रूट करना ताकि वो चूहों को मार गिराए। थाउजेंड ऑफ रेट्स वर काट, हजारों में चूहे पकड़े गए, बट इट वॉज ऑफ नो यूज, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। रेट कैचर्स मेक यूनियंस टू गेट मोर रिवार्ड्स, जो चूहों को पकड़ने वाले थे उनने यूनियंस बनाई ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदे मिले। रिवार्ड उसको दिया जाता था जो टेल एज ए प्रूफ देता था फ्रेंच को, लेकिन वियतनामीज इनकी पूंछ काट के चूहों को जिंदा छोड़ते थे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। कुछ लोगों ने तो चूहों को पालना स्टार्ट किया टू गेट मोर रिवार्ड्स, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा इनामत मिले। फ्रेंच स्टॉप्ड रिवार्ड्स इन 1903। उनने रिवार्ड देना और रेट को हंट करना 1903 में बंद किया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कुछ लोग तो चूहों को पाल रहे हैं और कुछ लोग चूहों को चूहों की पूंछ काट के उनको जिंदा छोड़ रहे हैं। तो इन दो वजह से, बबोनिक प्लेग और रेट हंट की वजह से, फ्रांस के पावर्स थोड़े कम हो गए इन वियतनाम। आखिरी में आपके लिए एक सवाल है, हु गेव द आइडिया ऑफ रेट हंट, किसने मशवरा दिया था चूहों को मारने से बबोनिक प्लेग खत्म हो जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू for your patience.